वेलकम फ्रेंड्स, वंस अगेन वी आर कंटिन्यूइंग अवर टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज व्हिच इज मूविंग। सो अगर आपका चार्ज मूविंग है, कहां पे मूव कर रहे हैं? इट इज मूविंग इन द रीजन ऑफ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। इन दैट केस चार्ज विल एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज विल एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स Fe and Fm, and the combined force will be Fe plus Fm. So that formula yesterday we wrote as a formula for Lorentz force. ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन अभी we are much more interested in magnetic field. तो उसकी हिसाब से ये तो अपना formula बन गया QE plus Q into V cross B. तो अपन आज इस लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुन लो। आज इस लेक्चर में हम ये जो फैक्टर है, मतलब आपका मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये जो अपना मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसे आता है, अपना चार्ज कैसे निकलता है, ये सब चीजें आज की लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। और ये होने के बाद इफ द टाइम विल परमिट मी आई विल स्टार्ट विद your actual law, that is the Biot-Savart's law. तो पहले स्टार्ट करते हैं। अपना अभी इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाजू करो, वो तो हमने कल देखा है कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इफ द चार्ज इज मूविंग अलोन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अलोन इज देयर एंड इट इज नॉट एनी हाउ, इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा रीजन आपको दिया मैंने जिस रीजन में द रीजन इज ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो टुडे वी विल स्टडी मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। लिख के लो, इसको नोट डाउन करो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आज हम इसका स्टडी करेंगे। अगर अपना चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा। तो पहले फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल क्या आएगा, यही आएगा मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विल बी Fm इक्वल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल क्यू इन टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने कल बताया था। तो इसके वजह से पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Fm, तो ये क्या बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Fm मैग्नीट्यूड विल बी Q V क्रॉस B का क्या आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। तो बेटा अगर मैं कंसीडर करता हूं, इफ आई कंसीडर, आराम से लिख ले लो, ऐसा कुछ जल्दबाजी में मत जाओ, वी आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम एंड इफ नेसेसरी आई विल प्रिपेयर टू वीडियोस। मेरे को एक घंटा ज्यादा वीडियो करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, आपको तो देखने में देखना ही है, नोट डाउन कर, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से एक एक चीज को ऐसा पढ़ेंगे कि अपने 12th की पूरा एग्जाम नहीं, अपना पूरा लाइफ में उसको याद रखना है। लाइफ में मेरे को आपने याद करना है, हाँ ये हमने सीखा था 12th में,
जैसे हम अपने टीचर को याद करें. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो लिसन दिस विद अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड लॉट ऑफ एंथुजियाज्म. ऐसा नहीं है ये मैग्नेट है, मतलब ये डे टू डे लाइफ में नहीं है. डे टू डे लाइफ में मैग्नेट है, आपको दिखता नहीं है, दिखता नहीं है लेकिन है. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो लिसन प्रॉपर. तो ये बताया मैंने, तो अभी हम निकलते हैं. एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, सपोज ये रीजन है, यहां पे आपका है मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड. देखा आपने, ये हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. कैसा है? इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड आई एम हैविंग अ चार्ज पार्टिकल. ऐसे ही न्यूट्रॉन ले जाऊंगा, देयर विल नॉट बी एनी इंपैक्ट. यस्टरडे आई टोल्ड चार्ज पार्टिकल मस्ट बी देयर. सो सपोज आई हैव अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज q, वो इस फील्ड में सपोज ऐसे मूव कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. तो बेटा अभी यहां में अपन को थीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन को मैग्नीट्यूड तो चाहिए. तो पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं एक टाइम सुन के लेते, बाद में डिपेंडिंग ऑन द एंगल वी विल गो फॉर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो बेटा, यहां पे ये जो एंगल बनाया है ये है थीटा. सो थीटा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. थोड़ा लंबा हो गया, रिटेक करते हैं. ओके, क्या थीटा इज, क्या है एंगल मेड बाय, किसने बनाया, वेलोसिटी वेक्टर किसका, ऑफ द चार्ज पार्टिकल. थीटा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल, किससे बनाया, विद द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. सो थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो वेक्टर वी मिल गया, वेक्टर बी मिल गया, थीटा मिल गया. तो अपना फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी क्यू इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. सो इट इज क्यू वी बी साइन थीटा. हो गया. तो कल मैंने बताया था आपको डायरेक्शन कैसे निकालते. यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, खाली मैग्नेटिक फील्ड है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड. कैसा है, वो भी यूनिफॉर्म है. तो निकालने के लिए कुछ अपन को गड़बड़ करने का जरूरत नहीं. So that will be easy. So यहां पे कैसे दिखेगा, दिखाता हूं यहां. This is your V, this is your B, and this is your angle theta. अभी महसूस करो चार निकल रहा है, टक 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 ऊपर जा रहा है. The magnetic field is this. तो ये पूरा प्लेन में सब गेम चल रहा है, इस प्लेन में गेम चल रहा है. इट चार्जेस मूविंग लाइक दिस. ओके, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे. तो भी पहले वी क्रॉस बी निकलते हैं. वी क्रॉस बी कैसे आएगा, वी से बी तक. तो यहां पे ऐसे गया तो मेरा फोर्स निकलेगा अंदर, फोर्स विल बी गोइंग इन. सो इस डायरेक्शन में उस पार्टिकल को फोर्स लगेगा. तो मैंने जैसे कल बताया था आपको, तो ये पार्टिकल ऐसे तो जाएगा, लेकिन अभी तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, आगे भी जाएगा, थोड़ा ऐसे भी घूमेगा. देखो अभी फिर से देखो. ओके, क्या किया मैंने, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, पार्टिकल वॉज गोइंग लाइक दिस, बट द मैग्नेटिक फील्ड वॉज देयर. ऐसे जा रहा था कुछ भी एंगल कर. तो अभी ये ऐसे नहीं जाएगा, तो जाएगा ये ऐसे जाएगा. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट वाज द इनिशियल रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग. ओके, तो ये बन गया इसके ऊपर फोर्स. अभी हमको सीखना है एंगल कैसे बनता है, और एंगल के हिसाब से उसका पाथ क्या होगा. ओके, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल. सो यहां से इसको नोट डाउन करो. यहां से हम चालू करेंगे, वी विल स्टार्ट विद डिफरेंट केसेस. ओके, इज दैट क्लियर टू यू? सो नोट इट डाउन प्लीज. इसके बाद हम केसेस ले लेंगे. ओके, ओवर.
कल भी ये मैंने पढ़ाया था, लेकिन कल मैंने कंबाइन पढ़ाया था, यस्टरडे आई शोन यू कंबाइन। तो आज हम इसका पूरा डेटा एक साथ रखेंगे, इसीलिए इसको केस बनाओ। कुछ चीजें रिपीट हो सकती है, मैं ना नहीं बोलता, कभी कभी हो सकता है जो मैंने कल बोला है आपको वो आज भी बोलूंगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन दैट इज फॉर योर बेनिफिट ना। ओके, देख लो अभी केस वन। तो रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या दिया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो केस वन क्या है, अपना जो चार्ज है ना उसका वेलोसिटी है वो पैरेलल है, मतलब थीटा इज जीरो डिग्री, दैट इज वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये बन गया केस वन। बाद में क्या पढ़ेंगे, केस टू भी पढ़ेंगे, केस टू भी पढ़ेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई और 180 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी। हो गया आपका, यहाँ पे देखते हैं, अगर वेलोसिटी पैरेलल है मतलब क्या है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है। आपके नॉलेज के लिए आप अपनी नोटबुक पे इसको नोट डाउन कर सकते हो बेटा, क्योंकि बाद में जब आप उसका रिवाइज करोगे, अभी आपको लगेगा ये क्या ये सर सिखाते, एकदम एकदम नर्सरी टाइप ये लग रहा है, ऐसा नहीं है, आज नहीं दिखेगा आपको, आज सब कुछ समझेगा आपको, ये सर अंडरस्टूड क्लियर द कंसेप्ट। हाँ, जब एग्जाम विल कम नियरर एंड नियरर, दिमाग से सब चिड़िया भाग निकलेगी, पर निकलेंगी चिड़िया को, तो उस टाइम फिर से आओगे मेरे पास, अरे सर ये नहीं समझ रहा, एकदम सिंपल होता है। इसलिए अपना नोटबुक मेंटेन करो। यहाँ पे अभी वेलोसिटी, ये चार्ज क्यू है अपना, पर ये कैसे भाग रहा है, सेम, तो एंगल कितना हुआ, थीटा बन गया जीरो। यहाँ पे कैसे भाग रहा है, उल्टा भाग रहा है, लेकिन उसी मतलब उसी प्लेन में, वहां पे खाली वो बन जाएगा एंटी पैरेलल। यहाँ पे मैं भी लिखता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ, पाई। तो साइन का ग्राफ बनाते हैं, आपको मैथ्स में बन गया होगा, लेकिन फिर से बनाते हैं, जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, इसको बोलता हूँ जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू टू पाई। सब चीज आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हर जगह आता है, खाली ये मैग्नेट में ही आता है, ऐसे कुछ नहीं है, अरे बाप रे ये तो बन गया बोर्ड के बाहर, ठीक है हम करते हैं। ये बन गया आपका साइन वेव, तो ये बन गया आपका साइन वेव। तो यहाँ पे मैक्सिमम इसको प्लस वन बोलता हूँ, यहाँ पे माइनस वन बोलता हूँ, क्योंकि कैसे होता है, माइनस वन लेस देन साइन प्लस वन, साइन थीटा ये कैसे घूमेगा आपका, माइनस वन टू प्लस वन आपका घूमेगा, वो सब उसका रेंज वगैरह है। तभी देखो आपका एंगल कितना है, एक तो जीरो है और एक तो पाई है, उसके लिए कितना आता है, साइन की वैल्यू जीरो, सो साइन पाई विल बी जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन जीरो, साइन जीरो तो आएगा जीरो, तो फोर्स आपका कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब अगर थीटा जीरो है, मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, क्या बन जाएगा पार्टिकल गोज, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल गोज अनडेविएटेड। तो क्या बन जाएगा आपका पार्टिकल, पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जीरो,
यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगेन क्यू वी बी साइन पाई, साइन पाई कितना आता है, साइन पाई कितना आता है, जीरो आता है, तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। हियर हियर दी पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, तो अगर पार्टिकल गोज अनडेविएटेड, पार्टिकल का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तो यहां पे भी पाथ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहां पे भी बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, बन गया आपका पाथ स्ट्रेट लाइन, बन गया पाथ, तो ये बन गया पहला केस। एक्चुअली ये केस वन ही है, लेकिन आप उसको स्प्लिट करके ले सकते हैं। तो आप कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, If the velocity vector of the particle is either parallel or anti-parallel to the given uniform magnetic field, then there is no force acting on the particle and particle goes undeviated. Of course, particle travels in a straight line. अगर कोई फोर्स नहीं है तो इधर उधर भटकेगा नहीं वो, so it will travel in a straight line. समझ गए बेटा, अगर चाहिए तो आपको नोट डाउन करो, हम आगे निकलते हैं। हो गया, अभी केस थर्ड लेते हैं। एक्सट्रीम केस लेते हैं, अभी लेते हैं पैरेलल लिया, एंटी पैरेलल लिया, अभी लेते हैं परपेंडिकुलर। सो केस थ्री, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, दैट इज velocity vector is perpendicular to magnetic field. तो क्या बन जाएगा देखते हैं, तो अपना magnetic field ऐसे है और मेरा particle जा रहा है इधर ऐसे ऐसे जा रहा है, ये मेरा q है, v है और ये b है। तो पहले हम लिख के लेते हैं, क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा F is equal to QVB sine pi by 2, sine 91 आता है, therefore F will be QVB, ये तो बन गया magnitude, ठीक है, what is about direction, तो direction देखने के लिए थोड़ा एक game खेलते हैं, एकदम मजेदार game है। देखो बेटा, पहले अभी बताऊंगा, कुछ समझ में नहीं आया फिर से बताऊंगा, आएगा समय, पहले अभी बता के दिखाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, वेलोसिटी कैसा है, वी क्रॉस भी कैसे आएगा, अंदर, बराबर, मतलब जो पार्टिकल ऐसे जा रहा है उसको ये अंदर खींचेगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट, यही आपको आपके सामने से करके दिखा, यही चीज मैं आपको इन द प्लेन दिखाता, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, सेम कंडीशन है ना बेटा, सेम कंडीशन आपको दिख रहा है, तो ये डायग्राम की जगह अलग डायग्राम बनाता हूं जो आपको ठीक से समझे, बुक में भी वैसे ही दिया है। सपोज आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो बी कैसा है, गोइंग इन टू द प्लेन, ये पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, सपोज यहां से दिखा, तो अभी बेटा V कैसे बन गया, V तो आपका दिखाता हूं, एक मिनट, आपका V बन गया ऐसा, दिख रहा है, V बन गया ऐसा, और आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, तो अभी V क्रॉस B कैसे बनता है बेटा, V क्रॉस B तो पार्टिकल के ऊपर लगेगा फोर्स, है ना, पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, पार्टिकल क्या स्टेडी है, ऑफ कोर्स नहीं, पार्टिकल तो आगे मूव है, तो आगे मूव होते होते उसको ऊपर चढ़ाएगा। यहां पे भी अभी देखो, ठीक से देखो, यहां पे देखा, पहले पार्टिकल इधर था, वेलोसिटी कहां था, ऐसा, थोड़ा उसको ऊपर लिया, तो आगे वो कहां जाएगा, यहां जाएगा, अभी ऐसे गया
तो वेलोसिटी ऐसे नहीं आएगा ना, उसको ऊपर खींचा है तो वेलोसिटी ऐसे दिखेगा, और उसको ऊपर खींचा वेलोसिटी दिखेगा ऐसे, और उसको ऊपर खींचा वेलोसिटी ऐसे दिखेगा। तो क्या मतलब, जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा तो क्या वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा, क्या वो सर्कुलर पाथ ट्रैवल करेगा? तो यही होता है। तो यहां से पार्टिकल के ऊपर फोर्स मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, फाइव स्टार लिख दो बेटा, फाइव स्टार, एग्जाम्पल आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। तो यहां से फ्रॉम हियर व्हाट हैपेंस, पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग अप एंड अप एंड अप, तो जो फोर्स है, तो अभी यहां आया, यहां क्या बन जाएगा, यहां तो डायरेक्शन उल्टा हो गया अभी भाई, तो भाई बेटा ये डायरेक्शन जो है वी का, तो क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो यहां पे आएगा तो वी इधर जाएगा, अभी वी इधर, बी इधर, अभी वी बी ऊपर जाएगा, तो अभी फोर्स नीचे आएगा। तो यहां से यहां फोर्स कैसे बन रहा था, अंदर की तरफ बन रहा था, आर गेटिंग माय पॉइंट, तो फोर्स वॉज ऑलवेज यहां पे ऊपर की तरफ, यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, तो इधर आने के बाद फोर्स नीचे बन जाएगा। आप करके देखो, ऐसा कुछ नहीं, तो पार्टिकल विल ट्रैवल इन अ सर्कुलर पाथ, समझ गया डायरेक्शन, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, तो डायरेक्शन, सो डायरेक्शन ऑफ एफ क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर टू बोथ, और उसको कहते हैं, ये लिख के लो, ये लिख के लो आपके पास, ये जो मैं लिख के दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ एफ, ये क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, ठीक से लिख के लो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, वी कहां है, यहां है, बी कहां है, यहां है, तो ये प्लेन कैसे बन गया बेटा, यहां वी है, यहां बी है, इसका मिला के ये प्लेन बन गया, तो वी क्रॉस बी कैसे आ रहा है, इस प्लेन को फोर्स आपका परपेंडिकुलर, आगे चला गया, यहां पे है, वी कैसा है, ऐसा है, बी कैसा है, ऐसा है, मेरा प्लेन कैसा बन जाएगा, ऐसा, तो वी क्रॉस बी ऐसे बन गया, यहां पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखो V कैसा है, ऐसा है ना, और B कैसा है, अंदर है ना, मतलब ऐसा नहीं है, दिखाता हूँ, V ऐसा है बेटा, ऐसा ऐसा, और B ऐसा है, मतलब ये प्लेन ऐसा बन जाएगा, ऐसा, तो अभी फोर्स कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V क्रॉस B, पाथ विल बी, पाथ विल बी सर्क्यूलर, उसका रेडियस कितना होगा वो डिपेंड करता है फोर्स कितना है, वेलोसिटी कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे इक्वेट कर सकते हैं, एक्स एच, फोर्स कैसे आएगा, एक्स एच सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा, है ना बेटा, फोर्स कैसे बन जाएगा अपना, सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाएगा, मतलब डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, डायरेक्शन लिखते समय आपको ध्यान में रखने के लिए अलोंग द रेडियस, एंड टूवर्ड्स द सेंटर, तो डायरेक्शन कैसे बन गया, अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर, तो ये बन गया अपना केस थर्ड। केसरी में क्या सीखा आपने बेटा, अगर इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इन दिस केस फोर्स विल बी एक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी क्रॉस बी और प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी, तो वी और बी ने मिलके जो प्लेन बनाया है उसको आपका फोर्स आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और पाथ कैसे दिखेगा आपका, पाथ दिखेगा आपका सर्कुलर। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी पॉइंट को अगर फोर्स दिखाना है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो फोर्स एफ,
इस पॉइंट को अगर आपको फोर्स दिखाना है, फोर्स कैसे मिलेगा बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा आपको एफ। इस पॉइंट को दिखाना है, आप कैसे दिखा सकते हो, फोर्स विल बी यहाँ पे, वेलोसिटी कैसे होगा, या ऐसे होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगा। बी कैसे है, बी गोइंग इन। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट केस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दिस केस विल हेल्प यू। ओके, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि जब हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोन पढ़ा है आपने अभी, साइक्लोट्रॉन अभी पढ़ेंगे, मैग्नेट में आता है। साइक्लोट्रॉन के लिए ये आपको जरूरी है, तो हम वो पढ़ेंगे आगे, तो उस चीज के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन करो, देन वी विल गो फॉर केस फोर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, शैल वी स्टार्ट, या श्योर। नाउ विल गो फॉर केस फोर। फॉर केस फोर नाउ अपन ने ले लिया, एक तो पार्टिकल पैरेलल है, एक तो पार्टिकल एंटी पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या पड़ा, एंगल जीरो है, नो फोर्स। एंटी पैरेलल है तो क्या पड़ा, एंगल 180 है, नो फोर्स। परपेंडिकुलर है तो क्या पड़ा, बी परपेंडिकुलर टू बी, तो फोर्स मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। और पार्टिकल कैसे घूमेगा, पार्टिकल विल हैव सर्क्यूलर पाथ। तो हमने देखा पहला पाथ, देखा स्ट्रेट लाइन, अभी हमने देखा सर्क्यूलर। अभी मैंने आपको इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं बताया, ये भी इक्वेशन बाद में बताएंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तब ये इक्वेशन भी बताएंगे आपको। अभी लेते हैं केस फोर, अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल भी नहीं है और एंटी पैरेलल भी नहीं है। सो अगर मेरा एंगल है वो जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय टू, जीरो लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय टू, तो क्या हो जाएगा, ये बन गया मेरा v, ये बन गया थीटा और ये बन गया। तो अभी बेटा क्या बन जाएगा, आपका वेलोसिटी है ना बेटा, ये वेलोसिटी पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा फोर्स के लिए, क्योंकि वेलोसिटी को अगर आपने रिजॉल्व किया तो क्या बन जाएगा बेटा, एक पार्ट तो बन जाएगा, उसको बोलूंगा मैं क्या बोलूंगा बेटा, ये कंपोनेंट को मैं बोलूंगा v cos थीटा, बराबर। इसको मैं बोल सकता हूं v parallel, है ना बेटा, ये बन गया मेरा v cos थीटा। और एक तो मैं बनाऊंगा v perpendicular, इज इक्वल टू v साइन थीटा। अभी v cos थीटा इज पैरेलल टू b, अगर ये पैरेलल है इंप्लाइज क्या हो जाएगा, नो फोर्स ड्यू टू v cos थीटा। So, v cos theta will be unchanged. Therefore, particle will continue to move ahead. लेकिन वो कैसे आगे जाएगा, how the particle will move ahead, अभी तक आपको बताया नहीं है।
वो पार्टिकल कैसे आगे जाएगा ये मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। ओके, इसको नोट डाउन। अभी देखो, नाउ सी, मतलब ये पार्टिकल आगे तो जाएगा, इसको भी वी आई एम पी लिख दो। अभी v sin थीटा को देखते हैं। बेटा v sin थीटा कैसे है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो वो b को क्या है? परपेंडिकुलर। तो क्या मैं लिख सकता हूं v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू b। तो अभी हमने देखा है फोर्स विल एक्ट ड्यू टू v sin theta and path will be circular। यही चीज, एक कंपोनेंट की वजह से फोर्स नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कंपोनेंट तो है ना, मतलब वो पार्टिकल आगे भी जाएगा, आगे जाएगा ना, उधर ही नहीं रहेगा, क्योंकि v cos theta की वजह से उसको आगे का वेलोसिटी मिलेगा, तो पार्टिकल आगे भी जाएगा। लेकिन लेकिन ये दूसरा वाला भी है ना, ये अपना भाई साहब कौन है, v परपेंडिकुलर बोलेगा आगे तो जाने दूंगा लेकिन सीधा नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट अलाउ टू मूव डायरेक्टली स्ट्रेट वे। तो वो बोलेगा मैं तो इसको जाते जाते घुमाऊंगा। क्या करेगा? उसको जाते जाते घुमाएगा, मतलब कैसे करेगा? पार्टिकल तो आगे जाएगा, आगे जैसे जाएगा इसको फोर्स मिलेगा, तो ऐसा जाएगा। तो क्या मैं लिख के दिखाऊं आपको? तो पाथ कैसे दिखेगा ये दिखाता हूं, मैं ट्राई करता हूं दिखाने के लिए। आगे जाएगा लेकिन उसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो वो सर्कल पूरा करेगा, लेकिन आगे जाके वो आगे भी जाएगा तो जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो इस पाथ को बोलते हैं, ये पाथ को बोलते हैं हेलिक्स और हेलिकल पाथ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, आपका थीटा इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन 0, सो आइदर पार्टिकल इज नॉट वेलोसिटी इज नॉट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और द वेलोसिटी इज नॉट डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में क्या आएगा आपका, क्या आएगा? पाथ आएगा हेलिक्स। तो हेलिक्स कैसे दिखेगा, दिखा तो आपको। तो अभी ये अपन के पास एक सिलेंडर है, बराबर। अभी ये सिलेंडर के ऊपर अगर कोई चींटी नाच रही है यहां से, तो कैसे जाएगी? उसको आगे भी जाना है, चींटी को आगे भी जाना है, इसके ऊपर करके दिखा तो आपको। तो सपोज ऐसे पार्टिकल आगे दे, तो ऐसा जाएगा, वो इधर जाएगा, नीचे आगे आगे भी जाएगा, तो ऐसा ऐसा करके वो पूरा करेगा, है ना? आया ध्यान में आपके? दिखा तो आपके, दो मिनट, ये देखो, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से पार्टिकल, मतलब ये ऐसा सिलेंडर वगैरह कोई नहीं रहेगा आपको दिखाने के लिए, बता दो, मतलब पार्टिकल यहाँ से ऐसे भाग के, तो जो आपका स्प्रिंग बनता है, स्प्रिंग, तो पार्टिकल का मोशन कैसे होगा? पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग एंड इट विल गो अहेड ऑल्सो एंड इट विल मूव अहेड एंड दैट विल बी योर हेलिकल पाथ। तो तीसरा पाथ हमने देख लिया, पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्क्युलर और तीसरा पाथ हमने देख लिया हेलिकल। तो ये तीन पाथ अपन को स्टडी करना है और ये तीन पाथ के ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन ऑन पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल। तो ये तो एकदम सिंपल हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा ये नहीं, एक्सप्लेनेशन तो दिया है मैंने। अभी जो आपने केसेस लिखा है उसके ऊपर थोड़ा सा एम्फसाइज करते हैं। क्या करते हैं? एम्फसाइज करते हैं। तो केस वन में मैंने क्या किया था? केस वन में बताया था मैंने स्ट्रेट लाइन, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया? फोर्स का मैग्नीट्यूड आया आपका क्यू वी बी। तो केस वन में लिखता हूं अभी, केस वन में क्या, थीटा इज इक्वल टू जीरो और पाई एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी।
सॉरी क्यू भी क्या बोल रहा है, एफ इज इक्वल टू जीरो, सॉरी वेरी सॉरी, स्ट्रेट लाइन इसको ही बोलते हैं अनडेविएटेड। हो गया खत्म, किस्सा खत्म, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, परफेक्ट। अभी देखते हैं केस टू, व्हाट इज अबाउट केस टू, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो अभी कितना फोर्स आएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी। एक्स एज कैसे बताया था, एक्स एज सेंट्रीपेटल फोर्स, मतलब क्या, जो पार्टिकल है उसका मास अगर m है, उसका वेलोसिटी v है, तो पार्टिकल कैसे घूमने लगेगा बेटा, पार्टिकल तो घूमने लगेगा ऐसे, सर्कल हो जाएगा ना बेटा। तो ये सपोज उसका वेलोसिटी बन गया v, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो बेटा फोर्स बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा ये यहाँ पे F हो जाएगा, ये क्या बन गया आपका, रेडियस ऑफ द पाथ बन गया। तो अगर वो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट होता है तो उसी को मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, ऑफ कोर्स आई विल कॉल F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हो गया बेटा, ये भी इक्वेशन मिल गया, ये भी इक्वेशन मिल गया, इक्वेटिंग बोथ, इसको बोलता हूं ए, इसको बोलता हूं बी, ए एंड बी, ए एंड बी कैसे करेंगे, सिंपल है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल टू क्यू वी बी। वी ने वी को काटा बेटा, एक बन गया वी, तो यहां से आप हर एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, यहां से हर एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। पहला फॉर्मूला अपना आपका बन जाएगा v क्यू वी, वी तो कट हो गया, क्यू बी आर अपॉन m, v कितना आएगा, क्यू बी आर अपॉन m, ये क्या बन गया। आपको अगर पूछा वेलोसिटी कितना आएगा, ये लिखने का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर आपको पूछा मोमेंटम कितना आएगा, सिंपल है, एम को इधर डालो, एम वी हो गया क्यू बी आर, तो अगर मोमेंटम बोलना है क्यू बी आर मोम, वेलोसिटी कितना, क्यू बी आर अपॉन एम, मोमेंटम कितना, क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी, ठीक है, ऐसे छोड़ते नहीं किसी को, दम घुटने तक मारते, मतलब ये किया आपने, अरे ठीक है सब पूछ लेंगे आपको बच्चे, ये किया, अरे वाह एकदम वेरी नाइस, वेलोसिटी बताया वेरी नाइस, मोमेंटम वेरी नाइस, अभी बताओ ये घूम रहा है ना बेटा, आप बोलोगे हाँ सर घूम रहा है, घूम रहा है, तो ये घूम रहा है, इसका भी थोड़ा टाइम पीरियड बता, अरे बाप रे, तो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना, सर्कुलर मोशन में आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था सर्कुलर मोशन में, मैंने आपको पढ़ाया था टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और रिवॉल्यूशन, सर्कुलर केस में रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन कितने का होता है, सिंपल है 2 पाई आर, तो डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई आर, टाइम टेकन टाइम पीरियड, कितने वेलोसिटी से किया, v से किया, सिंपल है, तो v स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया 2 पाई आर, टाइम कितना किया t किया, तो आप क्या टाइम पीरियड लिख सकते हैं, t विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v, अगर t इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन v आपने बताया है तो 2 पाई आर v का वैल्यू डालो डालो क्यू बी आर अपॉन m, बन गया v बन गया, अभी 2 पाई आर क्यू बी आर अपॉन m, r ने r को काटा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये बन गया टाइम पीरियड, इसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड। अभी आया वुड पहाड़ के नीचे, नाउ द इलास्टिक फ्रीक्वेंसी, नो प्रॉब्लम सर, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, उसको रेसिप्रोकल करो तो फ्रीक्वेंसी कितना मिल जाएगा, सो फोर्थ वन यहां पे लिख देता हूं बेटा आपके लिए, ओनली फॉर यू, फोर्थ वन फ्रीक्वेंसी, इसका उल्टा करो, f
इज इक्वल 1 बाई टी क्यू बी अपॉन 2 बाई एम, इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या सीखा, पहले हमने सीख के लिया अगर पार्टिकल सर्कुलर में ट्रेवल करता है, कब करता है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज पाई बाय 2 90, तो उसके ऊपर फोर्स लग जाता है क्यू बी भी, उसका ही वैल्यू कितना पकड़ेंगे हम, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, द फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर सेंट्रीपेटल फोर्स जैसा एक्ट होता है तो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, दिस फोर फॉर्मूला विल कम टू हेल्प यू। आपके चार दोस्त बन गए, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल करने का, किसको कॉल करने का, इसको करने का, इसको करने का, इसको करने का, इसको करने का, बन गया। तो वेल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स दिस ऑल विल हेल्प यू, आई होप यू हैव एंजॉयड इट। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द केस ऑफ द सर्कुलर। अभी आपको पढ़ाया था मैंने हेलिक्स, तो हेलिक्स के बारे में क्या करते हैं वो भी देखते हैं। तो बेटा हेलिक्स के लिए आपको थोड़ा, अरे आपने लिखा है ना वो, आप रिवाइंड करके देखो उसको, मैंने हटा दिया, मीन्स को हटाया। ओके, फॉर हेलिक्स क्या करेंगे, हेलिक्स के लिए आपको दो मोशन मिल जाएगा, है ना, सर्कुलर मोशन एंड आपका स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो आगे भी जाएगा, आगे जाने के लिए क्या करोगे, आगे जाने के लिए फॉर फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन के लिए क्या यूज करोगे आप, वी पैरेलल, दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, है ना। तो उसके लिए कुछ नहीं है, तो उसका डायरेक्ट जाएगा, ये बन जाएगा उसका वेलोसिटी कंपोनेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉर सर्कुलर पार्ट, सर्कुलर पार्ट के लिए कैसे करेंगे, वही लिखेंगे एम वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी परपेंडिकुलर इन टू बी, वही आएगा यहाँ पे, ये v परपेंडिकुलर बचेगा, तो v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम। तो v परपेंडिकुलर कितना है, v परपेंडिकुलर v साइन थीटा, तो बन गया क्यू बी आर अपॉन एम। अगर v साइन थीटा इतना बनता है तो v कितना बन जाएगा, क्यू बी आर अपॉन एम साइन थीटा। बराबर, ये कौन सा है, दिस इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सा, आगे जाने की वेलोसिटी कितना, वी कॉस थीटा। ये सब उसके एंगल पे डिपेंड करेगा, जितना उसने एंगल किया है, डिपेंडिंग ऑन दैट आगे का वेलोसिटी कितना, उसका कॉस कंपोनेंट निकालो, मल्टीप्लाई करो वी से, वी का वैल्यू तो आपको मिल गया, उसको मल्टीप्लाई करो, वो आगे कितना स्पीड से जाएगा। और आगे जाते जाते देखो, देखो ऐसे भी जा सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है। तो अभी आगे जाने का स्पीड ऐसा हो गया और घूमने का स्पीड ऐसा हो गया, कभी कभी ऐसे भी कर सकता है ना, घुमा आगे नहीं जा रहा है, आगे जा रहा है, घूम रहा है ना, फास्ट घूम रहा है, तो यहाँ पे स्पीड उसका वेलोसिटी है, वो घूमने का वेलोसिटी ज्यादा है, आगे जाने का कम है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, एकदम स्लोली घूम रहा है लेकिन ऐसे आगे जा रहा है, तो आगे जाने का स्पीड उसका ज्यादा है। तो ये वी क्यू बी अपॉन क्यू बी आर अपॉन एम साइन थीटा will be its velocity for the circular path. अब total velocity कैसे बन जाएगा, total velocity भी important है, total velocity कैसे लिखेंगे, total velocity कैसे आएगा आपका, v is equal to root of v parallel square plus v perpendicular square, बन गया। तो ये बन गया आपका total velocity। अभी एक चीज आपको सिखाता हूं और इसके बाद में कंक्लूड करता हूं। ओके, वो चीज क्या है, उसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स। तो पिच मतलब क्या, डिस्टेंस, ये हमने आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में भी सिखाया है 11th में, डिस्टेंस एडवांस्ड इन वन रोटेशन। इसका फॉर्मूला वगैरह कल बनाएंगे आप,
आज आज के लिए आपको मैं वो पिच कैसे निकालते दिखाता हूँ। आपका स्क्रू है, स्क्रू सबने देखा है। अभी हेलिक्स ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ये एक रोटेशन हो गया। तो पहले इधर था, एक रोटेशन होने के बाद इधर आ गया, ये बन गया उसका डिस्टेंस एडवांस बाय द हेलिक्स। अगर मेरा हेलिक्स बड़ा है, बड़ा मतलब ऐसा, ऐसे निकल रहा है और ऐसे हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ, तो अभी इन वन रोटेशन, क्योंकि सर्कुलर का इधर का रोटेशन ऐसा नहीं है ना, आगे भी जा रहा है, तो नाउ दिस विल बी योर डिस्टेंस एडवांस्ड बाय हेलिक्स इन वन रोटेशन। तो वो अलग अलग हो सकता है, वो भी हम निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। अगर आपने स्पीड को कंसिडर कर दिया, उसका आगे वाला पार्ट वी कॉस थीटा, और टाइम को कंसिडर कर दिया आपने टी, जो आपने टाइम के लिए फॉर्मूला लिखा था, अगर उस फॉर्मूला को आपने लिया, सो दैट विल बिकम योर टाइम। तो उस दोनों को मिला के आपका बन जाएगा पिच ऑफ द हेलिक्स। सो ये सब पार्ट आ गया आपका अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, ये पूरा हो गया है। I will start with some introduction about the next point, that is our Biot-Savart's law. समझ गए बेटा? तो आज मैं आपको Biot-Savart's law नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो अपना कल है, लेकिन but in order to introduce it, I have to give you some points. What are the points that we will look after? ये सब चीज ध्यान में रखो। हटाओ इसको। ठीक। तो अभी हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द एरिया ऑफ रीजन ऑफ द कंडक्टर, और कल हम सीखेंगे वो कितना होता है, जैसे दूर जाते हैं क्या वो कम होता है, क्या क्या वो बढ़ जाता है, दैट ऑल वी विल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर। बट इन दिस लेक्चर एटलीस्ट वी विल ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ये हमने टेंथ में पढ़ा है, पूरा का पूरा टेंथ का पार्ट है, तो इसके ऊपर ज्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं करूंगा, खाली आपको दिखाऊंगा कैसे आता है। तो एक कंडक्टर ले लो, सपोज उसमें करंट ऐसे जा रहा है, कंडक्टर में करंट कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर तक जा रहा है। सो यहां पे हम रूल कैसे कौन सा यूज करेंगे, राइट हैंड रूल। रूल कौन सा यूज करेंगे हम, वी विल यूज द राइट हैंड रूल। सो इमेजिन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज इन द आउटस्ट्रेच डायरेक्शन and the fingers are curled around it. ek baar repeat karta hu, imagine the current carrying conductor is held in your right hand, mera right hand ye hai, held in your right hand such that the thumb is in the outstretched direction and the fingers are curled around it. In this case, if the outstretched thumb denotes the direction of current, then the curled fingers will give you the direction of magnetic field. to yahan pe aapka magnetic field dikhega aisa, kaisa chalega wo, aisa matlab आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा दिखेगा। अगर मैंने कंडक्टर ऐसे लिया तो अभी कैसे दिखेगा, मेरा करंट अभी नीचे जाए और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा। सो ऐसा करंट है तो पीछे से वो ऐसा आएगा और आगे से ऐसा जाएगा, तो आगे से ऐसा जाएगा, पीछे से ऐसा। अगर मैं कौन सा भी ले लूँ, स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ऐसा लिया तो एकदम सिंपल है, ऐसा मतलब नीचे अंदर जाता हुआ, ऊपर आगे आता हुआ, बाहर आता हुआ, मतलब इसको ऐसे दिखा, ये नीचे का पार्ट है, अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर। लेकिन ये समझने में दिक्कत है, तो इसके ऊपर क्या करें, मेरे पास आइडिया है। आइडिया ऐसा है, वो कंडक्टर को ऐसे रखो, आपका थंब उस करंट की डायरेक्शन में रखो और ट्राई करो
तो मेरे फिंगर क्या करे, अंदर जाने के लिए ट्राई कर रहे, मतलब यहाँ से मेरा फिंगर अंदर जाएगा, यहाँ से कैसा हो जाएगा, वापस आ जाएगा। सो यही डायरेक्शन मैं कैसे दिखा सकता हूँ वो दिखाता हूँ अभी, एंड देन वी विल कंक्लूड अवर डे और फिजिक्स। ओके, सो ये ऐसा आपने लिया करंट, तो यहाँ से अंदर जाएगा, मतलब यहाँ क्या होगा, गोइंग इन, तो ऑन द राइट क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, लेफ्ट को कैसे आएगा, कमिंग आउट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कोई अभी सिखाता नहीं है, हाँ ये सब हो गया आपको, टेंथ में हो गया है, नोबडी विल टेल यू, बट आपको अप्लाई करना होगा, इसलिए फटाफट फटाफट दिखा के रखो, नहीं तो बोलोगे ये सब हो गया है, अभी ये करंट आए हैं ऐसे है, यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से अंदर जाएगा, इधर कमिंग आउट, गोइंग इन, तो एनी प्रॉब्लम है आपको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये आपका डायरेक्शन ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी एक केस लेता हूं आपका, वो केस में मेरा कंडक्टर तो स्ट्रेट है लेकिन दिख नहीं रहा है मुझे, ऐसा आपके सामने मैंने रखा, मतलब आइदर गोइंग इन और कमिंग आउट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट केसेस, चार केसेस मिलते हैं, दो केसेस स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, दो केसेस कर्व्ड कंडक्टर के लिए। केस वन, ये भी इसको नोट डाउन करो, अगर मेरा कंडक्टर है और करंट इज गोइंग इन, करंट कैसे जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो अभी ये देखो ये कैसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, आई गोइंग इन। केस टू क्या है, इसके उल्टा, मतलब करंट आउट में आ रहा है, करंट इज कमिंग आउट, तो अभी डायरेक्शन कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा, आई एंड बी, तो आई क्या क्या बनेगा, कमिंग आउट, और बी कैसे बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बन गया स्ट्रेट कंडक्टर, ये क्या बन गया, फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर, केसेस फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। सपोज आपका कंडक्टर स्ट्रेट नहीं है और कंडक्टर आपका कर्व्ड है, मैंने उसको लूप में डाल दिया है, लूप की तरह, जैसे आपने हेलिक्स वगैरह किया, स्प्रिंग की तरह दिख रहा, सो उसको मैंने ऐसे किया, तो कंडक्टर आपका करंट ऐसे है, आई, तो भी आई कैसे है, ऐसे है, तो बी कहाँ जाएगा, बी जाएगा अंदर, तो आई क्लॉकवाइज, तो बी क्या होगा, गोइंग इन। और केस फोर आपका आई एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और बी क्या आएगा, अभी ये आएगा, तो बी कमिंग आउट। सो फ्रेंड दीज आर द फोर केसेस, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक, सो व्हाट हैपेंस व्हेन योर कंडक्टर इज स्ट्रेट एंड व्हाट हैपेंस व्हेन योर कंडक्टर इज कर्व। So these all are the cases in which we can find out the magnetic field around the conductor. So I hope you have understood everything. We started with the paths, we started with the straight line, when it will go straight line, when it will go circular, when it will go in the path of the helix. We have also found the formulae for the same, and I hope you understood that. Today you have to read the NCERT. मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी में जो फॉर्मेट फॉर्म दिया है, मतलब जिस फ्लो से गए है उसी फ्लो को मैंने कंटिन्यू किया है, बीच बीच में मैंने थोड़ा सा उसको मोल्ड किया है मेरे हिसाब से। सो आई होप यू हैव एंजॉयड एवरीथिंग, एंड टुडे आई थिंक दैट इट इज इनफ फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ द मेन इंपॉर्टेंट रूल, फर्स्ट रूल इन दिस टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज द बायॉट सेवर्ट्स लॉ, एंड यहां से आपका इंटीग्रेशन वगैरह चालू हो गया। सो टुमारो वी विल लर्न बायॉट सेवर्ट्स लॉ, टुडे आई विल कंक्लूड अ डे फॉर फिजिक्स। सो आपका होमवर्क है, होमवर्क आपको क्या करना है, तो होमवर्क आपका रीड
एनसीईआरटी नंबर वन, सेकंड कंप्लीट द नोट्स, इतना ही आपका आज का होमवर्क है. सो थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज. फॉर एनी डाउट्स एनी क्वेरीज यू मे आस्क मी पर्सनली एट एनी टाइम 24/7. थैंक यू.